हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम सेमी कंजरवेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे जैसा कि हम जानते हैं कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है जितने भी करेंटली नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होते हैं एक्सेप्ट कुछ वायरसेस के जिनमें डीएनए की जगह आर जेनेटिक मटेरियल होते हैं एक जेनेटिक मटेरियल में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए पहला तो है कि ये रेप्लीकेट कर सके मतलब अपना एग्जैक्ट कॉपी बना सके दूसरा ये स्टेबल हो स्ट्रक्चरली और केमिकली तीसरा कि ये म्यूटेट कर सके मतलब ये चेंज कर सके ताकि चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ ये स्लोली इवॉल्व कर सके या चेंजिंग एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर सके फ्रांसिस क्रिक ने सेंट्रल डोगमा दिया जिसके अनुसार डीएनए अपना एग्जैक्ट कॉपी बनाता है रेप्लीकेशन के द्वारा साथ ही डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा मैसेंजर आरएनए बनाता है और मैसेंजर आरएनए फिर ट्रांसलेशन के द्वारा प्रोटीन बनाता है तो डीएनए एन ट्रांसक्रिप्शन से मैसेंजर आरएनए देते हैं और मैसेंजर आरएनए का फिर जब ट्रांसलेशन होता है तो प्रोटीन बनता है इसे हम सेंट्रल डोगमा कहते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा की है अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बारे में हम सेपरेट वीडियोस में चर्चा करेंगे तो अब बात आती है कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या है डीएनए का रेप्लिकेशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा डीएनए अपना एग्जैक्ट कॉपी या आइडेंटिकल कॉपी बनाता है सेल डिविजन के पहले इसी वजह से जब सेल का डिवीजन होता है और डॉटर सेल्स बन जाते हैं तो हर सेल डीएनए का एक कॉपी रिसीव करता है जो कि इनहेरिटेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होना या फिर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होना तो पहले डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए तीन हाइपोथेसिस दिए गए थे आइए हम इन्हें एक एक करके देखते हैं पहला है कंजर्वेटिव। इसके हिसाब से ओरिजिनल डीएनए या ओल्डर डीएनए जो होते हैं वो टेम्पलेट की तरह काम करते हैं और इसे यूज करके एंटायरली न्यू डीएनए की सिंथेसिस होती है तो इसलिए एक तो ओरिजिनल पेरेंटल डीएनए होगा और एक पूरी तरह से न्यू डीएनए बन जाता है दूसरा है सेमी कंजर्वेटिव मोड इसके अनुसार हर डीएनए मॉलिक्यूल में एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होता है और एक टेम्पलेट या ओरिजिनल स्ट्रैंड होता है तो यहाँ पे हर डीएनए मॉलिक्यूल में एक ओल्डर स्ट्रैंड होता है इसलिए इसे हम कहते हैं सेमी कंजर्व जिसका लिटरल मीनिंग होता है हाफ कंजर्व डिस्पर्सिव मोड इसके अनुसार हर डीएनए में कुछ पार्ट ओरिजिनल डबल हेलिक्स के होते हैं मतलब कुछ पार्ट कंजर्व्ड होते हैं और कुछ पार्ट न्यूली सिंथेसाइज्ड होते हैं इस वजह से डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं उनमें कुछ पार्ट तो टेम्पलेट या ओरिजिनल या पेरेंटल डीएनए के होते हैं और कुछ पार्ट न्यूली सिंथेसाइज होते हैं इसलिए हम इसे डिस्पोर्सिव मोड ऑफ रेप्लीकेशन कहते हैं आइए हम इन तीनों मोड ऑफ रेप्लीकेशन को इस डायग्राम से समझते हैं ये है पेरेंटल या ओरिजिनल डीएनए कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन के हिसाब से ये जो ओरिजिनल या पेरेंटल डीएनए है वो टेम्पलेट की तरह काम करेंगे जिसको यूज करके एंटायरली न्यू डीएनए मॉलिक्यूल बनता है इसे हम कहते हैं कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन और डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन करने पे दो बैंड मिलते हैं एक तो ओल्डर डीएनए मॉलिक्यूल के होते हैं और दूसरे न्यूली सिंथसाइज डीएनए मॉलिक्यूल के होते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ एप्लीकेशन के आधार पे ओरिजिनल या पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं उसके दोनों सेपरेट हो जाते हैं और ये टेम्पलेट की तरह काम करते हैं और इस टेम्पलेट को यूज करके न्यू स्ट्रांस सिंथेसाइज होते हैं तो जो दो डीएनए मॉलिक्यूल बने उसमें एक स्ट्रैंड ओल्ड होता है या टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है और दूसरा न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होता है इसलिए हम इनसे सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ एप्लीकेशन कहते हैं क्योंकि इसके स्ट्रैंड हाफ कंजर्व्ड होते हैं और डेंसिटी ग्रेडिएंट सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा हमें इस तरह के बैंड मिलते हैं डिस्पर्सिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन के अनुसार जो न्यू डीएनए मॉलिक्यूल बनते हैं उसमें कुछ पार्ट तो टेम्पलेट या ओल्ड या पेरेंटल डीएनए के होते हैं और कुछ पार्ट न्यूली सिंथेसाइज्ड होते हैं इसे हम डिस्पर्सिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं और डेंसिटी ग्रेडिएंट ग्रेडियफिकेशन के द्वारा हमें डीएनए के इस तरह के बैंड मिलते हैं फिर बाद में इस सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन को एक्सपेरिमेंटली कंफर्म किया गया यह पॉसिबल है डीएनए के दो स्ट्रांड्स के कॉम्प्लीमेंट्री नेचर के कारण जिसे वॉटसन एंड क्रिक ने अपने डबल हेलिकल मॉडल में बताया था इसके अनुसार गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ तीन हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा पेयर करता है और एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ पेयर करता है दो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा चूंकि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल होते हैं और उनके बेस पेयर्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसलिए इसके दोनों स्ट्रैंड को ईजिली सेपरेट किया जा सकता है डीएनए डबल हेलिक्स के हर ओल्ड स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह सर्व करते हैं और इसे यूज़ करके नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस होती है इसलिए डीएनए मॉलिक्यूल के जो दो कॉपीज़ बनते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के बाद उनमें एक ओरिजिनल स्ट्रैंड होते हैं और एक न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होते हैं इस वजह से डीएनए मॉलिक्यूल के दोनों कॉपीज़ एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं या एक दूसरे के एग्जैक्ट कॉपी होते हैं और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स में से एक स्ट्रैंड तो कंजर्व्ड होता है यानी कि पेरेंटल या ओल्डर स्ट्रैंड होता है और दूसरा न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होता है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के आधार पे। इसी वजह से हम इसे सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं जिसका लिटरल मीनिंग हुआ हाफ कंजर्व्ड इस सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लीकेशन को मिसलसन एंड स्टाल ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया 1958 में आइए हम इसे इस डायग्राम से बेहतर तरीके से समझते हैं ये है पेरेंटल डीएनए या ओल्डर डीएनए मॉलिक्यूल जिसे हम ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेप्लीकेशन के समय ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड के टूटने से अब ये दोनों ही स्ट्रैंड जिसे हम ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं वे टेम्पलेट की तरह काम करते हैं और इस टेम्पलेट को यूज करके नए स्ट्रैंड की होती है जिसे हम ऑरेंज कलर से दिखा रहे हैं जब डीएनए का रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो दो डीएनए मॉलिक्यूल मिलते हैं आइए हम इन दोनों डीएनए मॉलिक्यूल पे फोकस करते हैं तो इस डीएनए मॉलिक्यूल में ये ओल्ड स्ट्रैंड है ये न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है यहां भी ये ओल्ड स्ट्रैंड है और ये न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है अगर हम इस डीएनए मॉलिक्यूल के इस न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड और इस डीएनए मॉलिक्यूल के इस ओल्ड स्ट्रैंड को देखें तो एग्जैक्टली exactly ये आइडेंटिकल हैं उसी तरह से इस डीएनए मॉलिक्यूल का ओल्ड स्ट्रैंड और इस डीएनए मॉलिक्यूल का न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड ये भी आइडेंटिकल हैं तो अगर हम इन दोनों डीएनए मॉलिक्यूल की बात करें तो ये एग्जैक्टली exactly आइडेंटिकल है या फिर ये दोनों एक दूसरे के कॉपी हैं और ये पॉसिबल है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के कारण जिसके आधार पे एडेनिन हमेशा थान के साथ पेयर करता है और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयर करता है इस सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन को प्रूव करने के लिए मेसलसन एंड स्टाल ने 1958 में जो एक्सपेरिमेंट किए हम उसे समझते हैं इकोलाई e. बैक्टीरिया के सेल्स को लिया गया और इन्हें ग्रो कराया गया नाइट्रोजन के आइसोटोप 15N के प्रेजेंस में क्योंकि डीएनए में नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं और इन्हें तब तक ग्रो कराया गया जब तक कि सारे डीएनए मॉलिक्यूल 15N से लेबल न हो गए उसके बाद इन्हें 14N मीडियम में ट्रांसफर किया गया और ग्रो कराने के बाद इन्हें एनालाइज किया गया डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा तो क्या देखा गया कि एक जेनरेशन के बाद जितने भी डीएनए मिले उनकी डेंसिटी 15n 14n एन थी और दो जेनरेशन के पश्चात जो डीएनए मॉलिक्यूल मिले उनमें हाफ की डेंसिटी 15n 14n एन थी और बाकी आधे डीएनए मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी फोर्टीन एन एन थी और जैसे जैसे फर्दर इन्हें फोर्टीन एंड मीडियम में ग्रो कराया गया तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन फोर्टीन एंड फोर्टीन एंड लेबल डीएनए मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन इंक्रीज करता गया आइए हम इसे डायग्राम से भी समझते हैं तो ये है डीएनए मॉलिक्यूल जिससे कि फिफ्टीन एंड मीडियम में ग्रो कराया गया है इसके दोनों स्ट्रैंड फिफ्टीन एंड से लेबल्ड है और डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन से हमें इस तरह के हैवी बैंड मिलते हैं उसके बाद इन्हें ट्रांसफर किया गया मीडियम में और एक जनरेशन के बाद क्या देखा गया कि डेंसिटी के द्वारा हाइब्रिड बैंड मिले हैं जो कि इस बैंड से डिफरेंट थे जो कि इस बात की ओर संकेत करता है कि हर डीएनए मॉलिक्यूल का एक स्ट्रैंड 15n एंड लेबल्ड है और दूसरा फोर्टीन एंड लेबल्ड है ये तभी पॉसिबल है जबकि जो पेरेंटल डीएनए है, उसके दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होकर टेम्पलेट की तरह काम करते हैं और इस टेम्पलेट को यूज़ करके नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस होती है और चूंकि इसे फोर्टीन मीडियम में ग्रो कराया गया है इसलिए ये न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड फोर्टीन एंड लेबल्ड होते हैं और इस वजह से हमें जो बैंड मिलता है वो हाइब्रिड होता है हर डीएनए मॉलिक्यूल का एक स्ट्रैंड 15 एन लेबल्ड है और दूसरा एक तो हाइब्रिड बैंड मिला जो सिमिलर था इस बैंड के और दूसरा लाइटर बैंड मिला तो इससे भी ये बात साफ होती है कि ये जो ओल्डर डीएनए मॉलिक्यूल थे उनके भी स्ट्रैंड सेपरेट हुए और टेम्पलेट की तरह काम करते हैं और इस टेम्पलेट को यूज़ करके फिर नए स्ट्रैंड के सिंथेसिस होती है क्योंकि इनका ग्रोथ फोर्टीन एंड मीडियम में ही कंटिन्यूड था इसलिए जो नए स्ट्रैंड के सिंथेसिस हुई वो फोर्टीन एंड लेबल थे तो अगर हम इस डी एन ए मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें जो टेम्पलेट थे वो फिफ्टीन एंड लेबल थे और न्यू स्ट्रैंड फोर्टीन एंड लेबल थे यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रैंड भी फोर्टीन एंड लेबल था और न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड भी फोर्टीन एंड लेबल था इस डीएनए मॉलिक्यूल के केस में भी यही होगा इसमें एक डी एन मॉलिक्यूल के स्ट्रैंडी एन फोर्टीन एन होंगे और दूसरे डी एन मॉलिक्यूल के स्ट्रैंड 14n एन और फोर्टीन एन होंगे तो इसलिए डेंसिटी ग्रेडियंट के बाद हमें दो बैंड मिलते हैं एक है हाइब्रिड बैंड जिसमें 15n एन और फोर्टीन एन स्ट्रांड है और दूसरा है लाइट बैंड जिसमें कि फोर्टीन एन और फोर्टीन एन स्ट्रैंड है तो इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये प्रूव होता है कि डी में सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन होता है मतलब जो पेरेंटल डीएनए है हैं उसके दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं और ये टेम्पलेट की तरह काम करते हैं और इसे यूज करके नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस होती है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के आधार पे तो हर डीएनए मॉलिक्यूल में एक स्ट्रैंड ओल्डर या पेरेंटल होता है और दूसरा स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसाइज होता है मतलब हर डीएनए मॉलिक्यूल में आधे स्ट्रैंड कंजर्वड होते हैं और दूसरे न्यूली सिंथिसाइज इसलिए हम इसे सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लीकेशन कहते हैं इस तरह के डीएनए एन रेप्लीकेशन के कुछ एप्लीकेशन भी है आइए हम उन्हें एक एक करके देखते हैं ये फास्ट और एक्यूरेट मेथड है डीएनए के रेप्लीकेशन का इससे जो डीएनए मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो एग्जैक्टली exactly आइडेंटिकल होते हैं ये डीएनए एन के रिपेयर को अलाउ करता है डीएनए में एक ओल्ड स्ट्रैंड होता है एक न्यू स्ट्रैंड होता है तो ओल्डर स्ट्रैंड का मिथाइलेशन और न्यू स्ट्रैंड का मिथाइलेशन डिफरेंट टाइम्स में होता है ये डिपेंड करता है उनके सिंथेसिस के डिफरेंट टाइम के आधार पे। तो इस वजह से अगर न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड में किसी तरह का एरर होता है तो उनकी प्रूफ रीडिंग पॉसिबल होती है उनके मिथाइलेशन के पहले न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड के सर्टेन एरियाज़ को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट किया जा सकता है जिसकी वजह से इनके फेनोटाइप में चेंजेस आता है और अगर चेंज इन फेनोटाइप किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल कंडीशन के लिए फेवरेबल होता है तो फिर ये पर्सिस्ट करता है तो ये थी आज की वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू